हेलो गाइस, आप सभी का धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे थ्योरी के उन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं गाइस, आज की हमारी इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विद्युत से जलने पर सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए? नंबर एक, जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोना, प्रतिक्रिया के स्तर की जांच करना, खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूट गया हो, यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित सांस ले रहा है। तो गाइस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूट गया हो, ये सर्वप्रथम किया जाने वाला उपचार है। ओके गाइस, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। दिष्ट धारा यानी डीसी मशीन पर क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है? दिष्ट धारा मशीन पर क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर लगी हुई होती है? आर्मेचर, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो रोटर व स्टेटर दोनों पर, ऑप्शन नंबर 3 स्टेटर पर, ऑप्शन नंबर 4 रोटर। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेटर पर। दिष्ट धारा मशीन पर क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है? स्टेटर पर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की क्रिया किस नियम पर आधारित है? ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि किस नियम पर आधारित है? कूलम का नियम, ऑप्शन नंबर 2 लेंज का नियम, 3 फेराडे का नियम, ऑप्शन नंबर 4 किरचॉफ का नियम। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि किस नियम पर आधारित है? फेराडे का नियम, यानी ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो फेराडे का ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? फेराडे ने। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फेराडे का नियम। और नियम कौन सा था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 विद्युत वाहक बल यानी EMF, ऑप्शन नंबर 2 लंबाई, ऑप्शन नंबर 3 तापमान, ऑप्शन नंबर 4 सामग्री की प्रकृति। चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विद्युत वाहक बल पर। किस पर निर्भर करता है? विद्युत वाहक बल यानी EMF पर। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की सही इकाई चुनें, कूलम प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर 4 कूलम। तो गाइज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत विभव को किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। तो गाइज, हमारे इस 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके गाइज, अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध प्रेरक यानी इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? शुद्ध प्रेरक यानी कंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है?
90 डिग्री लीड, एक ऑप्शन नंबर तीन 90 डिग्री लेग, ऑप्शन नंबर चार 180 डिग्री। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन 90 डिग्री लेग। शुद्ध प्रेरक में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? 90 डिग्री लेग। ओके गाइज अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। यदि के ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? यदि के ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक ऋणात्मक व धनात्मक दोनों तापमान गुणा थर्मिस्टर, एक व्युत्क्रम तापमान गुणाक थर्मिस्टर, एक ऋणात्मक तापमान गुणाक थर्मिस्टर, एक धनात्मक तापमान गुणाक थर्मिस्टर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक तापमान गुणाक थर्मिस्टर। यदि के ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? ऋणात्मक तापमान गुणाक थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट थर्मिस्टर। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। फ्लड लाइट को किस काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? फ्लड लाइट को किस काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? औद्योगिक उपयोग, विज्ञापन के लिए, खूबसूरती के लिए, पढ़ने के लिए। तो गाइज औद्योगिक उपयोगों में, उद्योग में फ्लड लाइट काम में ली जाती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। विज्ञापन के लिए, जहाँ पे विज्ञापन हम करते हैं मार्केटिंग के अंदर, वहाँ पे भी फ्लड लाइट लगाई जाती है, तो ये भी सही नहीं होगा। खूबसूरती के लिए, हमें पार्क वगैरह लोन में, पार्क में या मैदान में, मैदान की या पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे फ्लड लाइट लगाते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो खूबसूरती के लिए हम लगाते हैं तो हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो ये पूछा है कि फ्लड लाइट को किस काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो गाइज पढ़ने के लिए फ्लड लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसने ये पूछा है कि कहाँ काम में नहीं लिया जाता, तो पढ़ने के लिए फ्लड लाइट को काम में नहीं लिया जाता, उद्योगों में लिया जाता है, विज्ञापन के लिए लिया जाता है, खूबसूरती के लिए लिया जाता है। ओके गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजी केबल में आवरण यानी स्ट्रेंथ के, यूजी का मतलब होता है गाइज अंडरग्राउंड। ओके यूजी यानी अंडरग्राउंड केबल में आवरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक कागजी रोधन देने के लिए, ऑप्शन नंबर दो केबल में नमी को प्रवेश होने से रोकने के लिए, पर्याप्त शक्ति देने के लिए, रबर रोधन यानी इंसुलेशन देने के लिए। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का आंसर हो जाएगा केबल में नमी को प्रवेश होने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर दो अंडरग्राउंड केबल में आवरण है वो केबल में नमी को प्रवेश होने से रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों, पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में HRC फ्यूजों का क्या कार्य है? HRC फ्यूजों का क्या लाभ है?
उन्हें तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में HRC फ्यूजों का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर एक, आग से सुरक्षा अनुपस्थित, उच्च विदारण क्षमता, अल्प घिरा हुआ, काल प्रभावन प्रभाव की उपस्थिति। तो गाइज, पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में HRC फ्यूजों का क्या लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च विदारण क्षमता, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। दिष्ट धारा DC मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दिष्ट धारा मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? नंबर वन, शंट फील्ड कंट्रोल। ऑप्शन नंबर दो, वोल्टेज कंट्रोल। ऑप्शन नंबर तीन, फील्ड टेप विधि। ऑप्शन नंबर चार, आर्मेचर कंट्रोल। तो गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का आंसर हो जाएगा शंट फील्ड कंट्रोल। दिष्ट धारा मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? शंट फील्ड कंट्रोल। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी डायोड को ओम मापी यानी ओम मीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है, डायोड की क्या स्थिति है? जब किसी डायोड को ओम मापी यानी ओम मीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है, डायोड की क्या स्थिति है? तो गाइज, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायोड की क्या स्थिति है, ऑप्शन नंबर एक खुला ओपन है, ऑप्शन नंबर दो अच्छा, ऑप्शन नंबर तीन लिक्की, ऑप्शन नंबर चार शॉर्ट, यानी खुला के अच्छा गुड एक लिक्की यानी लीकेज एक शॉर्ट। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खुला। जब किसी डायोड का ओमीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है, डायोड की स्थिति क्या है? खुला। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध, 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? सीधी सी बात है गाइज, हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, एक का मान 20 ओम है, दूसरे का मान 30 ओम है और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध क्या है, उन प्रतिरोध का जो मान है वो टोटल हो जाता है यानी जुड़ जाते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर 30 + 20 कितना होगा? 50। ऑप्शन दे एक दे रखा है 50, ऑप्शन नंबर दो 20, ऑप्शन नंबर तीन 52, ऑप्शन नंबर चार 30। तो 20 + 30 यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 ओम। ओके गाइज, इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? बिल्कुल ही सिंपल सा और बहुत ही इजी और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये DC थ्योरी वाले चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, DC चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ये DC थ्योरी वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू दे रखिए गाइस। ऑप्शन नंबर एक -1.602 × 10⁻¹⁶ कूलम, ये तो नहीं होगा। देखो कि प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है,
प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर दो में दे रखा है 1.-1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ऑप्शन नंबर 3 -1.602 × 10⁻²⁷ कूलम। ऑप्शन नंबर 4 इसमें धनात्मक आवेश है यानी 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होता है। बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 0.5 ओम, ऑप्शन नंबर 2 2.0 ओम, ऑप्शन नंबर 3 1.0 ओम, ऑप्शन नंबर 4 0.1 ओम। तो गाइज बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 0.5 ओम। ओके गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, FET हैज हाउ मैनी टर्मिनल। इसमें पूछा गया है कि FET के कितने टर्मिनल होते हैं, FET के कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1। तो गाइज FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, 3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक सिग्नेचर सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, दिष्ट धारा मोटर, DC मोटर, ऑप्शन नंबर 2 अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन नंबर 3 अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, प्रेरणी मोटर। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक सिग्नेचर क्या है, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, और इसका काम क्या होता है, लाइन का पावर फैक्टर सुधारना। ओके गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द बिलो। इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर कोर है वो उनमें किसी किसका लेपन किया जाता है उनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 लो कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर 2 स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर 3 क्रोम स्टील, ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन शीट स्टील। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन शीट स्टील। ओके इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती हैं। इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन में निम्नलिखित में से किस में जुड़ी होती हैं। नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 योक में, ऑप्शन नंबर 2 आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 4 पोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती हैं। तो गाइज इंटरपोल वाइंडिंग कौन सी होती है, जो मशीन के अंदर मुख्य पोल होते हैं उन पोलों के मध्य में छोटे पोल स्थापित किए जाते हैं और जिसे इंटरपोल कहते हैं, और उन छोटे पोलों पर की जाने वाली वाइंडिंग को इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं।
और वो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। तो बोल रखा है ने इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, तो सीरीज में किसके जुड़ी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग की, सीरीज आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन में आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ी होती है। हाँ तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक योक, ऑप्शन नंबर दो आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर तीन फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर चार पोल वाइंडिंग। ओके गाइज तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो आर्मेचर वाइंडिंग। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 विच इफेक्ट कैन बी प्रोडक्टेड बाई इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर एक हीटिंग केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर दो ओनली हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर तीन ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर चार ओनली केमिकल इफेक्ट। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीटिंग केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंडक्शन मोटर वर्क विद विच वन ऑफ द ब्लू, यानी हमारी इंडक्शन मोटर है वो किस पे काम करती है, ए बोथ एसी एंड डीसी कंट्रोलेबल डीसी ओनली एसी ओनली डीसी ओनली। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का आंसर हो जाएगा एसी ओनली। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकली मैन्युअली सेमीकंडक्टर, इसका आंसर हो जाएगा गाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरियर ऑफ ए इक्वल नंबर। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की दृष्टि कोण के व्युत्क्रम होता है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ फ्लक्स घनत्व एमएमएफ चुंबकीय प्रतिष्ठम। तो गाइज वो होता है चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एमएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एमएमएफ के दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट और इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर एक संट, ऑप्शन नंबर दो सीरीज, ऑप्शन नंबर तीन डिफरेंशियल कंपाउंड, ऑप्शन नंबर चार कम्युलेटिव कंपाउंड। तो विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी जो लोकोमोटिव जो ट्रेन होती है उसके अंदर किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो गाइज जो होता है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ओके गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स धन्यवाद थैंक यू।